दोस्तों, पेंगुइन दुनिया के सबसे प्यारे पक्षियों में से एक हैं, जो बहुत ही तेज तैराक और कई लोगों के पसंदीदा जानवर हैं। पेंगुइन के बारे में पसंद करने लायक बहुत कुछ है। ये पक्षी उड़ने में असमर्थ होते हैं और ये जितने मनमोहक होते हैं उतने ही आकर्षक भी होते हैं। ये पेंगुइन 1 फीट की लंबाई तक बढ़ सकते हैं और ये 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पेंगुइन उड़ने में सक्षम नहीं होते, जो लगभग विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वास्तव में पेंगुइन की कितनी प्रजातियां मौजूद हैं। और अगर बात करें इसकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 17 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पेंगुइन का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंगुइन आबादी वाले देशों जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये पेंगुइन विभिन्न प्रकार के मछलियाँ और समुद्री जीवों को खा लेते हैं, जिन्हें ये गोता लगाते समय इकट्ठा करते हैं। और ये अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्री जल का उपयोग भी कर लेते हैं। ये अपने जीवन का लगभग आधा समय पानी में और आधा समय जमीन पर बिताते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन पेंगुइन का आकार 1 फीट के आसपास होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनका ये मिलन कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मादा के गर्भावस्था का समय 3 से 4 हफ्तों का होता है और इस दौरान ये अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेंगुइन छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाना शुरू करती है, जिसकी ऊंचाई 3 से 4 इंच होती है। और जैसे ही 3 से 4 हफ्तों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद मादा अंडे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अंडे दे रही है। मादा पेंगुइन एक बार में 1 से 2 अंडे दे देती है और जैसे ही ये अपने अंडे दे देती है, उसके बाद मादा अपने अंडों को नर को सौंप देती है, जिसके बाद नर पेंगुइन इन अंडों को अपने पैरों के ऊपर रखकर उसे सेने का काम शुरू करता है। तो इस दौरान मादा भोजन की तलाश में निकल पड़ती है और नर अपने मादा साथी के लौटने का इंतजार करते हैं। और एक बार जब मादा लौट आती है, तो ये पेंगुइन अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं, जिसके बाद मादा पेंगुइन अंडों को सेने का काम शुरू करती है और नर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। दोस्तों, ये पेंगुइन के जीवन चक्र की सबसे अनोखी बात है, क्योंकि ये उन जानवरों और पक्षियों की प्रजाति में आते हैं जिसमें पिता अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए जाने जाते हैं और अपनी मादा साथी के वापस आने तक भूखे रहते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में अंडों को अकेले छोड़ना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मादा पेंगुइन को वापस आने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद नर पेंगुइन अपने अंडों की लगातार सुरक्षा करता है और ठंडी हवाओं से
अपने अंडों को बचाने के लिए अपने पंखों से ढककर गर्मी पैदा करने का काम करता रहता है। तो जैसे ही 30 से 40 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद अंडे से बच्चे निकलने शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अंडों से बाहर निकल रहे हैं, और जैसे ही ये अंडों से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये आवाज़ देना शुरू करते हैं, जिससे इनके माता पिता को भी पता चल जाता है कि अंडों से बच्चे बाहर आ चुके हैं। ये बच्चे शुरुआती दौर पर काले और भूरे रंग के हो सकते हैं, और इनके पंख जल रोधी होते हैं, जिसके कारण ये परिपक्व होने तक जमीन पर ही रहते हैं। और इस दौरान माता पिता द्वारा ही इनके परिपक्व होने तक बच्चों की देखभाल की जाती है, जिसमें मादा इन्हें दूध पिलाती है और नर खाना लाने का काम करता है, जिसके बाद ये बारी बारी अपने बच्चों को खाना खिलाने का काम करते हैं। और इस तरह इन बच्चों को विकसित होने और जलरोधी पंख प्राप्त करने में 7 हफ्तों से 13 महीनों का समय लग जाता है। तो जैसे ही 1 साल का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं और अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसके बाद माता पिता उन्हें छोड़कर दोनों एक साथ भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। अब वयस्क पेंगुइन भोजन के लिए अपने माता पिता पर निर्भर नहीं हैं, और अब ये अपना भोजन अपने आप ही तलाश कर सकते हैं, जिसके लिए ये समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। और इस चक्र का एक फायदा ये भी है कि जब ये बच्चे तैरने के काबिल हो जाते हैं, तब तक गर्मी आ चुकी होती है और समुद्र में इनके लिए भोजन की भरपूर मात्रा मौजूद हो जाती है, और इस तरह इनका जीवन चलता रहता है। और जैसे ही ये अपने प्रजनन के दौर पर पहुँचते हैं, तो उसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक वयस्क पेंगुइन सिर्फ 3 से 8 साल की उम्र के बीच ही प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पेंगुइन 5 साल की उम्र में ही प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। पेंगुइन की छोटी प्रजातियां बड़ी प्रजातियों की तुलना में पहले से ही यौन परिपक्वता तक पहुँच जाती है, लेकिन किंग पेंगुइन जैसी बड़ी प्रजातियाँ 3 साल में 2 बार प्रजनन कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रजनन चक्र 16 महीनों का होता है, जबकि एक छोटा पेंगुइन साल भर में कभी भी प्रजनन कर सकता है। इसके बाद ये सभी अपने अंडे देने के लिए जमीन पर आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ प्रजातियां हैं जो मार्च के महीने में प्रजनन करने के लिए सही जगह की तलाश में 90 से 100 किलोमीटर की अंतरदेशी यात्रा करते हैं, जो बहुत ही जोखिम भरा होता है, क्योंकि जो पेंगुइन पीछे रह जाते हैं वो शिकारियों का शिकार बन जाते हैं या फिर भूख से ही मर जाते हैं। और जब इन्हें एक सुरक्षित जगह मिल जाती है, तो ये अप्रैल के महीने में मिलन करना शुरू करते हैं, जिसके लिए ये अपने आवाज़ों से अपने मादा साथी को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जिस मादा को जिस नर की आवाज़ आकर्षित करती है, उसके साथ वो मिलन करने का फैसला करती है और अपना पूरा जीवन उसी नर के साथ बिता देती है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इन पेंगुइन का जीवन काल 15 से 20 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।